तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में गलती से कोई भी फ़ोन नंबर डिलीट हो चुके हैं और आप उस नंबर को वापस लाना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाओगे कि डिलीट किए गए नंबर को वापस कैसे करते हैं बिना किसी कंप्यूटर को मदद से। मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप गलती से चाहे कोई नंबर को डिलीट कर दिए हों या फिर एक एक करके आप अपने नंबर को सभी को डिलीट कर दिए हों, वो नंबर को आप एक चुटकी में ला सकते हैं। सो ये ट्रिक काफ़ी कमाल की है, काफ़ी बढ़िया सी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगा। सो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल हमें आता है और उस नंबर को हम सेव नहीं कर पाते हैं और वो नंबर हमारे फ़ोन से गलती से डिलीट हो जाता है, या फिर किसी कारण ये हो सकता है कि फ़ोन को आप रीसेट कर देते हो, आपका सारा नंबर डिलीट हो जाता है। तो वैसे में आपके लिए वो नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको लगता है कि अब हम डिलीट किए गए नंबर को कैसे वापस लाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वही ट्रिक लेके आया हूँ। सो अगर आपके गलती से कोई नंबर डिलीट हो गया है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके ये सारे डाउट आते होंगे कि कोई भी नंबर डिलीट हो गया तो उसे बैकअप कैसे करना है, वापस कैसे लाना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कर सकते हो। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको एक सेटिंग्स करनी है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपको प्रूफ को दिखाने के लिए अपने फ़ोन के कुछ कॉन्टैक्ट को आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं उन सारे कॉन्टैक्ट्स को अपने फ़ोन में लेकर के आऊँगा। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मैं सारे नंबर्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, सो ये सारे नंबर जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। दो तीन देख सकते हो कि मैंने दो तीन नंबर को डिलीट यहाँ से कर दिया, और अभी आप देख सकते हो ऊपर में मेरा दिखाएगा कितना नंबर अभी बचा है। टोटल 8 कॉन्टैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर में टोटल 8 कॉन्टैक्ट ही मेरे पास बचा है। चलिए अब मैं आपको रिकवर करके दिखाता हूँ कि नंबर को मैं वापस कैसे लाता हूँ, उसी तरह आप भी अपने फ़ोन में ले आइएगा। फिलहाल अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रेडमी का फ़ोन, आपका कोई भी फ़ोन हो सेम टू सेम ट्रिक आपके फ़ोन में वर्क करेगा। अगर आपके फ़ोन में ट्रिक वर्क नहीं करता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई में ज़रूर बताऊँगा। तो रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्लाइड करना है। जब आप नीचे स्लाइड करके आओगे तो यहाँ पे एक सिंक्रोई का एक ऑप्शन मिलेगा, SYNC करके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो इसके बाद एक गूगल का ऑप्शन दिखेगा, तो गूगल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिखेगा उसी ईमेल आईडी से आपका जो डिलीट हुआ है कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट आएगा। सो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करके सिंक्रोई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये ईमेल आईडी आपके फ़ोन में कनेक्ट हो गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आना है एक बार, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट का कहीं ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए गूगल का। यहाँ पे रेडमी का फ़ोन में डायरेक्ट गूगल का हमें ऑप्शंस मिल रहा है, लेकिन जिसके फ़ोन में डायरेक्ट गूगल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है उसके अंदर एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको गूगल को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मेरे फ़ोन में यहीं पर दिख रहा है तो मैं यहीं पर गूगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप गूगल के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। सो आपको नंबर डिलीट हो गया है तो उसे रिस्टोर करने के लिए आपको नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप एंड रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो सेटअप एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्टर कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन है, तो इस वाले बटन को आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके फ़ोन में ईमेल आईडी में जितने सारे फ़ोन नंबर आपने डिलीट किया था वो सभी कनेक्ट हो जाते हैं, तो उन सभी को बैकअप करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए Xiaomi Redmi 6 से यहाँ पर कॉन्टैक्ट 21 दिखा रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आपको भी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका सारा कॉन्टैक्ट जो है वो रीस्टोरिंग हो रहा है बैकग्राउंड में, तो मैं ऊपर आपको दिखाता हूं। यहीं पे आपका नंबर जो है वो देखिए यहीं पे कहीं, ये देखिए रीस्टोर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रीस्टोर, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, तो आपका सारा नंबर जो है वो अब रीस्टोरिंग हो रहा है। सो चलिए आप कुछ देर बाद आप अपना कॉन्टैक्ट को देखिएगा तो आपका कॉन्टैक्ट बैकअप होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में अभी हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बैकअप यहाँ से हो रहा है, ये देखिए टिक लग गया है। सो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको अपने कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट में आना है। टोटल मेरी पहले से 8 कॉन्टैक्ट थी, लेकिन जैसे ही मैं रीस्टोर कर लिया हूँ टोटल देखिए 18 कॉन्टैक्ट हो चुका है, यानी कि मैंने जो नंबर को डिलीट किया था वो नंबर भी यहाँ पर वापस चला आया है। आप देख सकते हो कितना आसानी से मैंने वो सभी नंबर को ले आया जो नंबर को मैंने डिलीट किया था। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन में अगर गलती से कोई नंबर को डिलीट कर दिए हैं तो एक चुटकी में बिना कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, बिना कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए,
आप उस नंबर को अपने फ़ोन में वापस ला सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना यार, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे मोटिवेशन को आगे बढ़ाता है और मैं अपने वीडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला पाता हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने आज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।